नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओपल रत्न किन राशि एवं लगन वाले जातकों को धारण करना चाहिए और किन राशि वाले जातकों को बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। ओपल रत्न किस धातु में धारण किया जाता है, किस देश का ओपल सबसे बढ़िया होता है, ओपल रत्न धारण करने की विधि, इन सभी सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। साथ ही साथ आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बेहतरीन ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथियों, यह 11 कैरेट का ओपल है और बहुत ही वेलकम प्राइस आपके लिए मैं इसके बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ओपल किन राशि एवं लगन वाले जातकों को पहनना चाहिए। वृषभ लगन, लगन के स्वामी ही शुक्र हैं। ओपल आपके कारोबार को बढ़ाएगा, नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य लाभ करेगा, आपके गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाएगा। आपके जीवन में शुक्र का अच्छा खासा महत्व होता है। मिथुन लगन, मिथुन लगन से शुक्र पांचवें और बारहवें घर के स्वामी होते हैं। साथियों, पंचमेश होने के कारण यहाँ पर शुक्र राजयोग कारक हो जाते हैं। आप उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, यंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, मित्रों के सहयोग के लिए ओपल धारण कर सकते हैं। साथियों, करक लगन वाले जातकों के लिए भी ओपल बहुत ज़्यादा योग कारक हो जाता है। साथ में तुला लगन वाले जातक भी ओपल पहनकर अपना राजयोग बना सकते हैं। मकर और कुंभ वाले जातक भी ओपल पहनकर अपने जीवन में बड़े स्तर का राजयोग बना सकते हैं। ओपल चांदी की अंगूठी में ही धारण करना चाहिए। ओपल रत्न अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली में या मध्यमा उंगली में, दोनों में धारण किया जा सकता है। जो लोग नीलम रत्न नहीं पहनते वह मध्यमा में भी ओपल पहन सकते हैं। इस दुनिया में सबसे बढ़िया ओपल रत्न ऑस्ट्रेलिया से आता है। साथियों, यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय रत्न भी है। ओपल रत्न जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, या जिनको ब्लड इन्फेक्शन लगातार रहता है, उनको अवश्य पहनना चाहिए। जिनके गृहस्थ जीवन में उथल पुथल मची हुई है, पत्नी या प्रेमिका से हमेशा तनाव टेंशन की स्थिति बनी रहती है, बाहर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप देते हैं अपने जीवन में, लेकिन घर में आकर के छोटे मोटे क्लेश टेंशन तनाव में आपकी सारी माइंड की जो एनर्जी है वह समाप्त हो जाती है, आपके गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको ओपल पहनना चाहिए। साथियों, ओपल एक बहुत ही कहना चाहिए मीठा स्टोन है। बहुत ज़्यादा आपके माइंड को कूल रखता है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को ठंडा रखता है। दिमाग को बैलेंस करने के लिए और मूड को फ्रेश करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बात बात में क्रोध आता है, किसी का मूड अपसेट बहुत ज़्यादा रहता है, उसको भी ओपल पहनना चाहिए। यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप फिल्म लाइन से हैं, आप गायक हैं, आप आर्टिस्ट हैं, या कोई भी कला के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो भी आपको ओपल पहनना चाहिए। अपने चेहरे की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए, चेहरे की सुंदरता को बनाए रखने के लिए भी आपको ओपल पहनना चाहिए। यदि आप महात्रिपुर सुंदरी के साधक हैं, यदि आप देवी का कोई भी बीज मंत्र सिद्ध करते हैं, देवी का बीज मंत्र जपते हैं, तो भी ओपल रत्न आपके घर में, आपकी पूजा में, या आपके गले में, या आपके हाथ में अवश्य होना चाहिए। जहाँ तक इस ओपल की बात है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, यह ओपल का जो वज़न है वह 11 कैरेट है और यह ओपल आपको हमारे यहाँ से बड़ी आसानी से 2500 रुपये पर कैरेट में मिल जाएगा। इससे सस्ते या इससे महंगे रत्न खरीदने के लिए आप सीधे सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। लगभग 2 से 2500
पर कैरेट की रेंज में बहुत बढ़िया ओपल आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जन्म पत्रिका दिखाने के लिए, हस्तरेखा दिखाने के लिए आप सीधे सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी ही शानदार सी वीडियो के साथ निकट भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।